नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम प्रधानमंत्रियों की कड़ी देख रहे थे। इसी क्रम में हम बात करते हैं हम लोग मनमोहन सिंह के बारे में, या मनमोहन सिंह जी की बायोग्राफी देखते हैं। तो इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ 26 सितंबर 1932 को। इनका जन्म हुआ था गाहे पंजाब में, अब पाकिस्तान में स्थित है ये। और इनके पद की कार्य की बात करें तो ये राजनेता हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे। वह एक महान विचारक, विद्वान और बुद्धिमान अर्थशास्त्री हैं। राजनीति में संपूर्ण रूप से सक्रिय होने से पहले उन्होंने कई प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों में कार्य किया। अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें कई सम्मान प्रदान किए गए। बाद के कुछ वर्षों में वह नौकर साहब से राजनेता बन गए। उनके शासनकाल के दौरान भारत की आर्थिक मुद्रा स्फीति में एक अमूल परिवर्तन आया। उनके विलक्षण योगदान के लिए उन्हें भारत के आर्थिक नवीनीकरण का आधारभूत निर्माता कहा जाता है। इस काबिल नेता ने अपनी नम्यता और नैतिकता और नीतिमत्ता के लिए अपनी काफी सराहना प्राप्त की। मनमोहन सिंह की क्षमता और नेतृत्व कुशलता को भारतीयों ने स्वीकार किया और लगातार दूसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री चुना। यानी कि प्रारंभिक जीवन की बात करें हम लोग, तो मनमोहन जी का जन्म अखंड भारत के पंजाब प्रांत, लेकिन वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है, मैं 26 सितंबर 1932 को एक सिख परिवार में हुआ। उनके माता का नाम था अमृत कौर और पिता का नाम था गुरुमुख सिंह। छोटी उम्र में ही उनकी माता का निधन हो गया, इसलिए उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया। बचपन से ही उन्हें पढ़ाई में रुचि थी और वह कक्षा में अक्सर अव्वल आते थे। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार अमृतसर चला गया। यहाँ पर उन्होंने हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया। मनमोहन सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से अर्थशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई की। बाद में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय गए, जहाँ उन्होंने स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई की। और पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भारत वापस लौटने पर उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। 1998 में उनका विवाह गुरुशरण कौर के साथ हुआ। उनकी तीन बेटियां हैं, उपेंद्र, दमन और अमृत। अमृत 1971 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए और वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किए गए। इसके पश्चात उन्होंने भारत सरकार के कई विभागों में उच्च पदों पर कार्य भी किया। इनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री का पद नियुक्त किया। इस दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी, जिससे देश ने आर्थिक उदारीकरण के युग में प्रवेश किया। सबसे पहले उन्होंने लाइसेंस राज को रद्द कर दिया, जिसके तहत उद्योग को कोई भी बदलाव करने से पहले सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ती थी। उनके इस कदम से निजी उद्योगों को बहुत लाभ हुआ, जिसके फलस्वरूप सरकारी उद्योग में विनिवेश और निजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1998 से 2004 के दौरान जब भारत में बीजेपी सरकार थी, तब राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। इनके प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कार्यों की बात करें या जीवन की, तो 2004 में के आम चुनाव में लोकसभा चुनाव ना जीत पाने के बावजूद मनमोहन सिंह, यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अनुमोदित किया। अपनी साफ सुथरी और ईमानदारी छवि के चलते आम जनता में वे काफी लोकप्रिय बने।
22 मई 2004 को 4 को उन्होंने पद की शपथ ली। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के सहयोग से मनमोहन सिंह ने व्यापार और अर्थव्यवस्था के विकास की दिशा में काम किया। वर्ष 2007 में भारत सकल घरेलू उत्पाद 9% रहा और भारत दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्था बन गई। उनके नेतृत्व में ग्रामीण नागरिकों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई। इसी कार्य की दुनिया भर में लोगों ने उनकी सराहना की। उनके कार्यकाल के दौरान शिक्षा क्षेत्र में भी काफी सुधार हुआ। सरकार ने पिछड़ी जातियों और समाज के लोगों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने की सफल कोशिश की। हालांकि कुछ पक्षों ने आरक्षण बिल का विरोध किया और योग्य विद्यार्थियों के लिए न्याय की मांग की। मनमोहन सिंह सरकार ने आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कई कानून पारित किए। 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का गठन किया गया। 2009 में ई प्रशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने हेतु भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसके तहत लोगों को बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र देने की घोषणा की गई। इस सरकार ने अलग अलग देशों के साथ मजबूत रिश्ते बनाए और बरकरार भी रखा। उन्हें PB नरसिम्हा राव के कार्यकाल में शुरू की गई व्यवसाय व्यवहारिक विदेश नीति का मौजूदा विकल्प में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। मनमोहन सिंह ने चीन के साथ सरहद विवाद और कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश की। विवादास्पद भारत अमेरिका परमाणु समझौते के विपक्ष द्वारा बहिष्कार करने के बावजूद सरकार ने यह समझौता किया। 15वीं लोकसभा के चुनाव नतीजे यूपीए के लिए बहुत सकारात्मक रहे और मनमोहन सिंह को 22 मई 2009 को एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री पद पर चुना गया। जवाहरलाल नेहरू के बाद मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से प्रधानमंत्री चुना गया था। पुरस्कारों की बात करें, इन्हें पुरस्कार या सम्मानों की, तो 1982 में सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज ने मनमोहन सिंह को मानद सदस्यता दी। 5 साल बाद भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1994 में उन्हें डेस्टिंग ग्योशट फेलो ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया। 1999 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संस्थान नई दिल्ली द्वारा सदस्यता दी गई। 2002 में उन्होंने अन्ना साहेब चिरमुले ट्रस्ट की ओर से अन्ना साहेब चिरमुले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2 वर्ष बाद भारतीय संसद दल की तरफ से उन्हें सर्वश्रेष्ठ संसद का पुरस्कार दिया गया। 2010 में उन्हें अपील ऑफ कॉन्सेंस फाउंडेशन की ओर से वर्ल्ड स्टेट्समैन पुरस्कार प्रदान किया गया। इनके टाइमलाइन जीवन की घटनाएं देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण। इनके जन्म की बात करें तो 1932 में पंजाब के गाहिब में जन्म हुआ इनका। 1958 गुरु शरण कौर से इनका विवाह हुआ। 1982 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पद पर नियुक्त किया गया। 1985 में भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में उनको वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। और 1994 में डी स्टिंग ग्रिफिथ फेलो ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से सम्मानित किए गए। 1998 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता नियुक्त किए गए। 1999 में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संस्थान नई दिल्ली द्वारा सदस्यता दी गई। 2000 में अन्ना साहेब चिरमुले ट्रस्ट की ओर से अन्ना साहेब चिरमुले पुरस्कार से सम्मानित किया गया उन्हें। 2004 में भारत के प्रधानमंत्री बने। 2008 में मनमोहन सिंह ने आतंकवाद से लड़ने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का गठन किया। 2009 में भारत के प्रधानमंत्री चुने गए दोबारा। राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु उन्होंने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का गठन किया। 2010 में उन्हें अपील ऑफ कॉन्सेंस फाउंडेशन की ओर से वर्ल्ड स्टेट्समैन पुरस्कार प्रदान किया गया।